नमस्कार दोस्तों, जेई न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 370 करोड़ के फर्जीवाड़े के जरिए धनराशि निकाली गई है, जिससे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी अभी की लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है और इस घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। 2016 में TDP सरकार के कार्यकाल में दौरान बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाने के उद्देश्य से APSSDC की स्थापना की गई, जिसके तहत 370 करोड़ की धनराशि निकाल ली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, नायडू ने जताई थी गिरफ्तारी की आशंका। गिरफ्तार होने से पहले ही उन्होंने 6 सितंबर को अनंतपुर जिले के राय दुर्गम में जनता को संबोधित करते हुए TDP सुप्रीमो ने कहा था कि आज या कल वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे सभी राज्यों में ये एक बड़ा अब ब्रेकिंग न्यूज़ बन के उभर के रही है। मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।